नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। आरोप प्रत्यारोप के बीच दो दो बार हुए आवास योजना के हितग्राहियों के भूमि पूजन। जी हां, आवास योजना के हितग्राहियों के गृह प्रवेश एवं भूमि पूजन का आयोजन, लेकिन नाम को लेकर कांग्रेस भाजपा में होड़। ज्ञात हो कि आवास योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर राशि देते हैं, इसलिए दोनों ही पार्टी योजना खुद की बताकर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। ऐसा ही मामला गंज बसौदा में आया है, जब आवास योजना के हितग्राहियों का एक ही दिन में दो दो बार भूमि पूजन एवं गृह प्रवेश हुआ। पहले भाजपा की वर्तमान विधायक लीना जैन ने अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम किए, वहीं थोड़ी देर पश्चात पूर्व विधायक जिला योजना समिति के सदस्य कांग्रेस पार्टी से निशंक कुमार जैन ने अपने साथियों सहित आकर भूमि पूजन कर हितग्राहियों को आवास योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए और दोनों पार्टी ने योजना खुद की बताकर एक दूसरे को जमकर कोसा और हितग्राहियों को एक दिन में दो दो बार अतिथियों की अवगत करनी पड़ी। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कार्यक्रम को जनहित में बताते हुए सरकार के निर्देशों के आधार पर आयोजन करना बताया। विदिशा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। इसमें हमें हमारे जो हितग्राही जिनको आवास योजनाओं में आवास मिले हैं उनका गृह प्रवेश कराना, तो वो कार्य हम मिलके करवा रहे हैं। नगर पालिका पूर्व में जो लोग डेढ़ साल पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुके हैं, जिनके मकान बन चुके हैं, जो रह रहे हैं, उनका गृह प्रवेश करवा रहे हैं। और जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है उनके लोगों की भूमि पूजन करवा रहे हैं और हम लोग मिलके इसको विधानसभा में भी उठाएंगे। हमारी वर्तमान विधायिका महोदया से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से नगर पालिका ने उन्हें ससम्मान बुलाकर एक सम्मान के प्रतीक के तौर पर उनका सम्मान करने का परिचय दिया, तो उन्हें वक्त का इंतजार करना चाहिए था। 4 बजे का समय मुकर्रर था, वो क्यों पहले भूमि पूजन कर गए इसका उत्तर मुझसे ज़्यादा वो दे सकते हैं। हो सकता है कि उनमें के मन में कहीं ये भावना तो नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए पैसे पर सबके सामने हम कैसे भूमि पूजन करेंगे। जो गृह प्रवेश और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है वह राज्य शासन के निर्देश अनुसार किया जा रहा है, और चूंकि आज से 26 जनवरी से और विगत एक माह जो कि हमारा आगामी कार्यक्रम 3 फरवरी से 29 फरवरी 28 फरवरी तक रहेगा, तो उसमें आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी रहेगा और उसमें ऐसे जिन जिन वार्डों में मकान कंप्लीट होते जा रहे हैं तो उनका भूमि पूजन कराया जाएगा।